नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपटेक मास्टर के एक नए एपिसोड में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेन की पूरी जानकारी ले सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे, यानी कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है, ट्रेन कितने मिनट लेट है, कितनी जल्दी जाएगी, ये सारी की सारी डिटेल ट्रेन की जो आप स्टेशन पर जा करके पता करते हैं वो आप अपने घर बैठे मोबाइल से पता कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एपटेक मास्टर। Don't forget to subscribe and press the bell icon. तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है रेल यात्री। और आपको जब पहली बार इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ ऊपर की तरफ आपको टाइम टेबल, पीएनआर स्टेटस एंड ट्रेन स्टेटस वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक ब्रेक यानी ऐड आ सकते हैं, तो वो आपको उन्हें इग्नोर करना होगा। इसके बाद सिंपल है, अगर किसी ट्रेन का आपको टाइम टेबल पता करना है कि वो ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कहाँ की ट्रेन है, क्या है, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा टाइम टेबल पे। और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेन का नंबर या ट्रेन का नाम डाल के यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मेरे पास यार यहाँ पर कोई ट्रेन का नाम भी मुझे नहीं पता है अभी तो, और ना ही मेरे पास कोई नंबर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इसे छोड़ देता हूँ। आपको अगर ट्रेन का नाम नंबर पता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे पीएनआर स्टेटस है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ देखिए इंटर 10 डेज पीएनआर, तो आपको यहाँ पर अपना पीएनआर नंबर डाल के यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पीएनआर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रेन स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी ट्रेन का स्टेटस भी जान सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, मतलब कितनी लेट है, कितनी जल्दी आएगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे तो आप इस ट्रेन में अगर जैसे कि आप यहाँ पर कोई नाम डालते हैं किसी ट्रेन का या फिर किसी ट्रेन का नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद, जो भी आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव सफ़र कर रहा है तब भी आप यहाँ पर आई एम नॉट ऑन दिस ट्रेन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आई एम ऑन दिस ट्रेन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज माई फ़ोन GPS फॉर रियल टाइम स्टेटस, यानी कि आपके फ़ोन का GPS ऑन होगा तो ये लाइव लोकेशन भी आपकी ट्रेन की दिखा देगी, जिस भी ट्रेन का नाम और नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। तो इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ना कि ट्रेन बल्कि आपको यहाँ से ट्रेन के टिकट्स, बल्कि बस के टिकट्स, फूड जो कि ट्रेन में आपको मिलता है तो वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। और ये सब बहुत ही सिंपल है, आप एक बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ओपन करेंगे तो आप काफ़ी कुछ अपने आप ही सीख जाएंगे, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। बस आपको यहाँ पर फ्रॉम और टू यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस तारीख में जाना है और कितने पैसेंजर हैं, आप बस इतना सा डाल के आप यहाँ पर सर्च बसेस का ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको सारी बसेज जो अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, उनके टिकट का रेट कितना है, और डायरेक्टली आप उन्हें बुक भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक डायलर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इसकी हेल्पलाइन का नंबर है, आप यहाँ से सारी की सारी जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं कि आपकी बस या आपका ट्रेन जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत का जो फल है वो आपके लाइक के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो, इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।